हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अर्जुन है और आज आपको दिखाने के लिए मेरे पास से मोटोरोला का 4K टीवी है, जिसे मैंने बिग बिलियन डे सेल में परचेज किया था। वहां मुझे सिर्फ 37,000 रुपए में मिल गया था 4K टीवी। 37,000 रुपए में वो 55 इंच बहुत ही अच्छी डील थी, तो मैंने इसे ले लिया। ये एक स्मार्ट टीवी है, तो मतलब इसमें आपको ब्लूटूथ, वाईफाई, एथरनेट का कनेक्शन और इसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एंड्रॉयड है, तो आप इसमें एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इनबिल्ट आपको एप्स दिखेगी, जैसे इसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजोन प्राइम वीडियो पहले से इंस्टॉल है, तो आप डायरेक्ट इसमें वाईफाई के थ्रू इनको चला सकते हैं और इतनी बड़ी स्क्रीन में इनका मजा ले सकते हैं। इसके अलावा जो इसके स्पीकर्स है वो 60 वोट के हैं, जो कि एक साउंड बार के बराबर है। बहुत ही अच्छी इनकी साउंड क्वालिटी है। इन सब के बारे में वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, पर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। टीवी का बॉक्स कुछ इस तरह का आता है। काफी बड़ा बॉक्स है, जिसके लेफ्ट साइड में यहाँ मोटोरोला का लोगो दे रखा है, इसके नीचे यहाँ एंड्रॉइड टीवी लिखा है, फिर गूगल असिस्टेंट का लोगो दे रखा है, नीचे की तरफ इसकी साइज दे रखी है जो कि 55 इंच है, नीचे लिखा है 100% कलर गैमेट, क्वांटम कलर फिल्टर जो कि QLED को कहते हैं, फिर इसकी स्पीकर की टेक्नोलॉजी MP Sound X Pro दिखा रखी है। यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में इसका साइज 55 और नीचे इसका मॉडल नंबर लिखा है। बॉक्स की साइड में नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और गूगल प्ले का लोगो दे रखा है। इसके अलावा नीचे यहाँ वर्टिकली मोटोरोला का लोगो दे रखा है। बॉक्स की दूसरी तरफ भी वही सेम चीजें लिखी है। टीवी के बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें ये प्लास्टिक बैग मिलता है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें टीवी का रिमोट देखने को मिलता है, जो दिखने में काफी क्लीन और स्टाइलिश सा लग रहा है। इसके बाद हमें टीवी के स्टैंड के लिए कुछ स्क्रूज मिलते हैं, फिर टीवी की पावर केबल के बाद हमें एक AV कनेक्टर, फिर दो रिमोट के सेल, एक टीवी की यूजर गाइड जिसको पढ़कर आप इसे ऑपरेट करना सीख सकते हैं, फिर आपको टीवी के बॉक्स में इसके स्टैंड मिलते हैं जो कि मेटल के हैं और ये कर्व डिजाइन में आते हैं, फिर आपको एक पतला सा ब्राउन बॉक्स मिलता है जिसमें आपको टीवी की वॉल माउंट किट मिलती है। इसमें कुछ स्क्रूज है और 3 मेटल की प्लेट्स दे रखी है। वॉल माउंट किट के बाद आपको एक और छोटा सा बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर आपको टीवी का गेम कंट्रोलर देखने को मिलेगा। ये गेम कंट्रोलर मोटोरोला का है और इसकी डिजाइन बिल्कुल Xbox के रिमोट के जैसी लग रही है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसका मटेरियल काफी हाई क्वालिटी का है, बटन्स भी काफी रिस्पॉन्सिव है और यहाँ इसका microUSB पोर्ट दे रखा है, जहां से आप इसे चार्ज कर सकते हैं क्योंकि इसमें इनबिल्ट बैटरी दी गई है। इसके अलावा गेम कंट्रोलर के साथ आपको इसकी चार्जिंग केबल मिलती है, जिसके एक एंड पर microUSB और दूसरे एंड पर USB A कनेक्टर है। टीवी के रिमोट में सेल लगाने के लिए आपको इसके बैक साइड को नीचे की तरफ स्लाइड करना है, फिर इसका पूरा बैक पैनल निकल कर बाहर आ जाएगा और नीचे आप इसके सेल लगा पाएंगे। लास्ट में आपको इस प्लास्टिक में रैप टीवी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वीडियो में शायद आप इसकी साइज का एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा पाएंगे, पर असली में ये बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा है। चलिए अब टीवी के कॉर्नर से इसकी प्लास्टिक को हटा देते हैं। टीवी के स्टैंड को लगाने के लिए आपको इन बड़े वाले स्क्रूज को लेना है, फिर स्टैंड को अलाइन करके इन स्क्रूज को टाइट कर देना है। टीवी के नीचे की तरफ आप इसके 60 वोल्ट के स्पीकर्स देख सकते हैं, जो कि काफी बड़े लग रहे हैं। बैक साइड से टीवी दिखने में कुछ इस तरह का है, जिसके लेफ्ट साइड में इसके सभी पोर्ट्स दे रखे हैं, जिसमें एक USB 2.0, एक USB 3.0 पोर्ट मिलता है, उसके नीचे एथरनेट पोर्ट, एंटीना केबल इन, ऑप्टिकल पोर्ट, 3 HDMI पोर्ट, एक 3.5 mm हेडफोन जैक और एक मिनी AV जैक मिलता है, जिसमें आप इस AV कनेक्टर को लगा सकते हैं। टीवी के बैक साइड में आपको यहाँ इसकी कुछ डिटेल्स दे रखी है, जैसे मोटोरोला का लोगो, इसका मॉडल नंबर, पावर रेटिंग वगैरह। इसके अलावा ये टीवी मेड इन इंडिया है। साइड से देखने में टीवी कुछ इतना मोटा लगता है। टीवी के साथ आपको काफी एडवांस रिमोट देखने को मिलता है, जिसमें ब्लूटूथ और इंफ्रारेड के दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, तो बिल्कुल टीवी के सामने रिमोट को पॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिमोट में यहाँ ऊपर की तरफ आपको माइक मिलता है। टीवी के रिमोट की बटन्स की बात करें तो काफी सॉफ्ट बटन आपको इसमें दिए गए हैं। यहाँ नीचे की तरफ नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और गूगल प्ले के शॉर्टकट बटन्स दे रखे हैं। इनके नीचे आपको गूगल असिस्टेंट का बटन दे रखा है, जिसे प्रेस करके आप गूगल असिस्टेंट को कमांड दे सकते हैं। ऊपर एरो कीज की रिंग में आपको ग्लोसी फिनिश दे रखा है, जो काफी दिखने में प्रीमियम लगता है। और आप रिमोट को साइड से देखेंगे तो ये हल्का सा कर्व किया गया है, जिससे अपने आप आपके हाथ में करेक्ट पोजिशन में आ जाता है। फर्स्ट टाइम आप टीवी को ऑन करेंगे तो आपको इसे सेटअप करने की स्क्रीन शो होगी, बिल्कुल जैसे आपके नए स्मार्टफोन में शो होती है, जहां आप इसे वाईफाई से कनेक्ट कर पाएंगे और अपने हिसाब से इसे पर्सनलाइज कर पाएंगे। टीवी सेटअप होते ही आपको इसकी होम स्क्रीन शो हो जाएगी, जहां आप इसकी सभी इंस्टॉल्ड एप्स को देख पाएंगे।
क्योंकि इसमें एंड्रॉयड टीवी ओएस है तो आपको काफी क्लीन और हाई क्वालिटी का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसके साथ टीवी को यूज करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। टीवी के बेजल्स की बात करूं तो काफी कम बेजल्स आपको इसमें देखने को मिलती है। स्लिम बेजल्स के कारण टीवी की डिस्प्ले देखने में काफी अच्छी लगती है। टीवी में आपको 55 इंच की 4K QLED डिस्प्ले मिलती है, जिसका 3840x2160 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है। LCD टीवी में मोस्टली दो तरह के पैनल्स यूज होते हैं, एक होता है IPS और एक होता है VA, जिन्हें इन प्लेन स्विचिंग और वर्टिकल अलाइनमेंट कहते हैं। इस टीवी में आपको वर्टिकल अलाइनमेंट LCD पैनल मिलता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में VA पैनल कहते हैं। दोनों के अपने फायदे और नुकसान है। जैसे IPS LCD डिस्प्ले का जो देखने का एंगल होता है वो बहुत अच्छा होता है, आप किसी भी एंगल से टीवी को देखते हैं तो आपको सेम पिक्चर क्वालिटी मिलती है, पर VA पैनल का व्यूइंग एंगल इतना अच्छा नहीं होता है। तो इस टीवी में VA पैनल के कारण आपको 178 डिग्री तक का व्यूइंग एंगल मिलता है। इससे ज्यादा साइड से देखने पर डिस्प्ले कलर थोड़े डल और फीके लगते हैं। VA पैनल में आपको काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है, तो कलर्स काफी खिलते हैं इस टीवी में, जबकि IPS पैनल में कॉन्ट्रास्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है। इसके अलावा VA पैनल में आपको IPS पैनल से डीप ब्लैक कलर्स देखने को मिलते हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो VA पैनल से आपको ज्यादा अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा ये एक QLED टीवी है, जिसे क्वांटम LED कहते हैं। QLED एक नॉर्मल LCD टीवी होता है, बस इसमें लाइट सोर्स और LCD डिस्प्ले के बीच में एक क्वांटम डॉट्स की फिल्म होती है, जिस पर लाइट पड़ने पर ही अपने कलर्स प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण जो फाइनल रिजल्ट होते हैं वो नॉर्मल LCD डिस्प्ले के मुकाबले में ज्यादा विविड और ब्राइट होते हैं। इस टीवी में आपको MEMC टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे आपको टीवी में काफी कम मोशन ब्लर देखने को मिलता है। टीवी की पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कलर काफी अच्छे दिख रहे हैं और ब्लैक पॉइंट्स भी काफी अच्छे हैं इस प्राइस रेंज के हिसाब से। बहुत ज्यादा डीप ब्लैक कलर्स तो नहीं है, बट बहुत अच्छे दिख रहे हैं और क्लियरिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं बिल्कुल पास से देख रहा हूँ तो भी मुझे पिक्सल्स फटे हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसका 4K रेजोल्यूशन है। 55 इंच में अगर आप 1080p रेजोल्यूशन देखेंगे तो वो थोड़ा फटा हुआ लगेगा, पर क्योंकि इसका रेजोल्यूशन ज्यादा है तो काफी क्लियर मेरे को यहाँ से भी काफी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल रहा है। और अगर आप दूर से इसको बैठ के देखेंगे, बड़े टीवी वैसे दूर से बैठ के देखने के लिए होते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर इससे पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। इस टीवी में आपको HDR10 और डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है, और जैसे आप देख सकते हैं ये वाली 4K HDR वीडियो है, तो अगर मैं इसे चलाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर HDR10 लिखा रहा है, क्योंकि इसमें HDR10 सपोर्ट है। इसके अलावा मुझे इस टीवी की एक चीज अच्छी नहीं लगी, वो है कि इसमें HDR10 में भी सेम ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है, अलग से पॉप नहीं करता है कलर, जैसे कि आप अपने फोन्स देखेंगे, जैसे आईफोन है तो उसमें जब आप HDR कंटेंट प्ले करते हैं तो ब्राइटनेस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, पर इसमें 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, वही सेम सभी कंटेंट में रहती है, चाहे आप नॉर्मल कंटेंट प्ले करें या HDR कंटेंट प्ले करें, सेम लेवल ब्राइटनेस का रहेगा। बाकी पिक्चर क्वालिटी इस रेट के हिसाब से बहुत ही अच्छी है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर आपको सब कुछ दिख रहा है, और जो कलर्स है वो भी काफी अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, और देखकर काफी अच्छा फील आता है इन कलर्स के साथ इस टीवी को। ये एक 4K टीवी है, तो आप इसमें YouTube की सेटिंग्स में जाएंगे और पिक्चर क्वालिटी सेट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4K का ऑप्शन आ रहा है, और ये अभी 60 फ्रेम पर चल रही है, तो वीडियो देखेंगे तो आपको काफी स्मूथ दिखेगी। अब इसके साउंड क्वालिटी की बात करते हैं, अभी आप देख सकते हैं इसमें 16 पर वॉल्यूम है। अब मैं तेज करके बताता हूँ, टीवी में आपको 230 वोट के स्पीकर और 230 वोट के ट्विटर दिए गए हैं, जो कि टोटल कंबाइन करके 60 वोट का स्पीकर बन जाते हैं। टीवी में आपको डॉल्बी एटमॉस भी मिलता है, जिससे आपको बिल्कुल रियल लाइफ की जैसे साउंड सुनने को मिलता है। इसके अलावा स्पीकर की बेस क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। जो इसके स्पीकर की साउंड क्वालिटी है, इसके साथ मूवीज को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम किसी सिनेमा हॉल में बैठे हैं, और बिल्कुल सराउंड साउंड आता है तो काफी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस रहता है, और बिल्कुल आपको देख के मजा आ जाता है। इस टीवी के अंदर आपको गूगल पर्सनल असिस्टेंट मिलता है, और इसका आपको शॉर्टकट बटन दिया गया है रिमोट के अंदर, और रिमोट के अंदर ही माइक है, तो आप अपने डायरेक्ट रिमोट से कमांड दे सकते हैं, जैसे What is the weather in Paris? Right now in Paris, France, it's 7 degrees and sunny. Today, it'll be sunny, with a forecasted high of 20 and a low of 7. And tomorrow, there will be showers. आप और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे, How tall is Burj Khalifa? The Burj Khalifa is 828 meters tall. Sing me a song.
It's Halloween time, and I'm here to help a werewolf whose howl is more like a yelp. A ghost with its sheet all wrinkled and stained. A vampire with a cavity? What a pain. So you get a smartphone bullet TV mein mil jata hai aur aap jo apne phone mein kar sakte hain wo sab kuch iske andar kar sakte hain. Kafi time tak aap remote ka bluetooth function use nahi karenge to ye apne aap disconnect ho jayega aur fir aap ye google assistant dabayenge to aap use nahi kar payenge. तो फिर से पेयर करने के लिए आपको ओके और होम बटन को दबा के रखना है टीवी के पास ले जाकर. इसके बाद इसकी पेयरिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी और आपका रिमोट टीवी के साथ कनेक्ट हो जाएगा. इसके अलावा आपको इसमें दो ऑप्शंस मिलते हैं. आप चाहें तो कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर सकते हैं इन एरो कीज को दबाकर, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट वॉइस सर्च से भी सर्च कर सकते हैं. जैसे मैं इस पर प्रेस करूंगा ओके दबाकर, स्पाइडरमैन 4K ट्रेलर, तो आप देख सकते हैं सर्च हो चुका है वॉइस कमांड से और यहाँ पर इसका ट्रेलर आ चुका है. जब मैं इस टीवी को परचेज कर रहा था तो इसमें दो ऑप्शन थे, एक में आपको गेम पैड मिलता है और एक में आपको गेम पैड नहीं मिलता है. तो मैंने गेम पैड के साथ वाला टीवी परचेज किया, तो मुझे इसके साथ ही मोटोरोला का गेम पैड साथ मिला जिसके थ्रू आप इसमें गेम्स खेल सकते हैं. गेम पैड को टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इस सेटिंग ऑप्शन में जाना है. इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको नीचे यहाँ पर रिमोट एंड एक्सेसरीज का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद टीवी सर्च करने लग जाएगा जो भी ब्लूटूथ डिवाइस इसके आसपास होगी. अब गेम पैड में आपको होम और ये एक्स वाले बटन को एक साथ प्रेस करना है. सबसे पहले इस एक्स को दबा के रखना है, फिर आपको होम बटन को दबा देना है. इसके बाद ये पेयरिंग मोड में चला जाएगा और इसमें आप देख सकते हैं लाइट्स ब्लिंक होने लग गई है. इसके बाद में रिमोट यहाँ पर शो हो जाएगा, जिस पर क्लिक करते ही इसका पेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये आपके टीवी से कनेक्ट हो जाएगा. जैसे आप अपने एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर के अंदर जाकर एप्स इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही आप इस टीवी में भी एप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं. 5000 के आसपास इसमें आपको एप्स देखने को मिल जाएगी और मैंने कुछ गेम्स भी इंस्टॉल कर रखी है, जैसे कि ये इनटू द डेड गेम है. इस गेम को मैं डायरेक्ट इस गेम पैड का यूज करके खेल सकता हूँ और आप देख सकते हैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है. ये ब्लूटूथ गेम पैड है तो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड है और गेम पैड के साथ गेम्स खेल के काफी मजा आता है और बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस जैसा लगता है. जैसे आप देख सकते हैं ज़ॉम्बी है, इनसे मेरे को बच के निकलना है. टीवी में आप यहाँ पर होम पेज पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर फास्ट कास्ट की ऐप मिलेगी, जिसके अंदर आपको सभी पॉसिबल वेज दिखा रखी है जिनके थ्रू आप अपने फोन लैपटॉप को इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे सबसे पहला फीचर दे रखा है क्रोम कास्ट का. क्रोम कास्ट गूगल की टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके आप अपने फोन के कंटेंट को टीवी में प्ले कर सकते हैं. और ये कुछ ऐप्स दे रखी है जो क्रोमकास्ट का यूज करती है, जिनके थ्रू आप डायरेक्ट इसमें कंटेंट को प्ले कर सकते हैं. अभी जैसे मेरा फोन और ये टीवी सेम वाईफाई से कनेक्ट है और आप देख सकते हैं यूट्यूब ऐप के अंदर आपको यहाँ पर क्रोमकास्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, जिस पर एंड्रॉइड टीवी का ऑप्शन आ रहा है. तो मान लीजिए मैं ये वाली वीडियो इसमें प्ले करता हूँ. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, मेरा नाम अर्जुन है और आज आपको दिखाने. और इसके बाद में अगर मैं इस क्रोमकास्ट वाले ऑप्शन पर जाकर इस टीवी को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो जो कंटेंट यहाँ प्ले हो रहा था वो डायरेक्ट जाके टीवी में प्ले हो जाएगा. अब मैं चाहूँ तो इसे मेरे फोन से प्ले और पॉज भी कर सकता हूँ. इसके बाद में आपको नीचे दे रखा है आईफोन शेयर का बटन, जिस पर क्लिक करने के बाद में आप अपने आईफोन की स्क्रीन को डायरेक्ट इसमें कास्ट कर सकते हैं और इसमें आप उसके कंटेंट को देख सकते हैं. अभी टीवी में जैसे मैंने आईफोन शेयरिंग का ऑन कर रखा है, अब अगर मैं मेरे फोन में यहाँ पर जाऊँ कंट्रोल सेंटर के अंदर तो मेरे को यहाँ पर मिररिंग का ऑप्शन मिलता है, जिस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ पे फास्ट कास्ट C6 नाम से शो होगा. इस पर क्लिक करते ही मेरी जो फ़ोन की स्क्रीन है वो टीवी में दिखने लग जाएगी और मैं डायरेक्ट जो भी इसमें चलाऊंगा वो टीवी में दिखेगा. इसके अलावा आपको लोकल मीडिया को कास्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है. फिर आपको QR कास्ट का ऑप्शन दे रखा है, जिसमें आप इस बार कोड को अपने फ़ोन में स्कैन करके उसके कंटेंट को डायरेक्ट इसमें प्ले कर सकते हैं. इसके बाद में आपको विंडो PC का कास्टिंग का दे रखा है, जिसमें आप अपने लैपटॉप को इसमें कास्ट कर सकते हैं, मतलब आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को डायरेक्ट इस टीवी में देख सकते हैं. इसके बाद में लास्ट आपको हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिल जाता है. अगर आपने एथरनेट केबल इसमें कनेक्ट कर रखी होगी तो आप अपने टीवी को एक हॉटस्पॉट भी बना सकते हैं और इसके थ्रू बाकी डिवाइसेस को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं. टीवी की सेटिंग्स में जाकर आप इसका एंड्रॉइड वर्जन चेक कर सकते हैं. जैसे मैं डिवाइस प्रेफरेंस के अंदर जाऊंगा तो यहाँ अबाउट के अंदर जाकर मैं चेक कर सकता हूँ इसका एंड्रॉइड वर्जन. नीचे आप देख सकते हैं इसमें एंड्रॉइड टीवी OS वर्जन 11 है, तो लेटेस्ट वर्जन आपको इसमें देखने को मिल जाता है टीवी OS का. इसके अलावा टीवी की स्टोरेज और रैम की बात करें तो इसमें आपको 2 GB रैम मिलती है और जो स्टोरेज है वो आपको इसमें 16 GB मिलती है,
जिसमें से 8.3 GB अभी मेरे लिए अवेलेबल है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ और इसमें एप्स और गेम्स को इंस्टॉल कर सकता हूँ। टीवी में आपको ड्यूल बैंड का वाईफाई दिया गया है, तो आपको इसमें कोई भी नेटवर्क से रिलेटेड लैग देखने को नहीं मिलेगा। टीवी में आपको रियलटेक का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है, जिसमें आपको 700 मेगाहर्ट्ज का G31 GPU मिलता है। टीवी का प्रोसेसर मुझे काफी अच्छा लगा, सभी एनिमेशन और यूजर इंटरफेस को बहुत ही स्मूथली हैंडल करता है। इस प्रोसेसर के साथ आपको टीवी में बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं, मैं आप सबके रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।